चल रहे हैं 68 रुपए और स्टॉक का नाम है वन इंफ्रा। वन इंफ्रा के अंदर दीपांशु ब्रेकआउट है, स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर बैठा हुआ है। स्टॉक के अंदर आज कल के हाई टूटते हुए अभी देखने को मिल रहे हैं सीएमबी पे। यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा और 2 से 4 दिनों के अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो वन इंफ्रा में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें, 65 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लगा है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वन इंफ्रा में, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि 10% का तो मिनिमम टारगेट बनेगा और उसके ऊपर भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 72 रुपए का पहला टारगेट होगा, 78 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। वन इंफ्रा में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस 65 का लगाए नीचे में, 72 से 78 के टारगेट्स के लिए। मैं इसके ऊपर कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ टीसीएस का, 3200 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है जो 33 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 19 रुपए का, टारगेट रहेगा यहाँ पे 47-61, ये दो टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि टीसीएस में वीकली क्लोज जो हमें देखने मिला अनिल जी वो एक पॉजिटिव क्लोज था और उसके बाद लगभग 38% से लेके 50% का एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ऊपर में लगभग 3250 से लेके 3300 तक के हमें लेवल देखने मिलेंगे। अगर 3250 ही होता है तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 50 रुपये का हो जाएगा ना जी। तो मेरा फर्स्ट टारगेट उसके नीचे 47 का एंड सेकंड टारगेट 61 है। सो आई थिंक अगर वो इतना बाउंस बैक करता है तो कंफर्टेबली हमारे टारगेट्स हासिल होने चाहिए। आज अगर हम देख रहे हैं तो डिफेंसिव ही चल रहे हैं।